नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश भर में रस्साकसी जारी है। वहीं दिल्ली के शाहीनबाग इलाके में इस कानून के खिलाफ जारी लोगों का विरोध प्रदर्शन अनूठा है। इस विरोध प्रदर्शन की अगुवाई शाहीनबाग और जामिया नगर में रहने वाली महिलाएं कर रही हैं। कड़ाके की ठंड के बावजूद शाहीनबाग में CAA और NRC के विरोध में महिलाएं धरने पर बैठी हैं। इन महिलाओं का कहना है कि जब तक सरकार CAA और NRC को वापस नहीं लेती वे यहां से नहीं हटेंगे। इस धरने के दौरान महिलाओं के हाथों में तमाम शेर लिखे पोस्टर भी दिखे। इनके साथ साथ भारी संख्या में पुरुष भी मौजूद रहे। धरने पर बैठी इन महिलाओं और पुरुषों से NTI पॉकेट TV ने बात की तो उन्होंने बताया, नौबत NRC CA के विरोध में जो जामिया 13 तारीख को जामिया से एक रैली निकलनी थी जो कि जंतर मंतर राष्ट्रपति भवन तक जानी थी, उसको पुलिस ने रोका और बड़ी बर्बरता की। हॉस्टल में घुस के बच्चियों को मारा गया, बच्चों को मारा गया। तो 15 तारीख को हम लोग ने यहाँ पे एक छोटी सी रैली टाइप का निकाला था, लेकिन 15 को फिर से जब मारा गया बच्चों को, तो ये हमने अहद कर लिया कि नहीं, ये सरकार जो है अब बर्बरता पर उतर आई है, ये रैली से नहीं समझेगी, ये बैठना पड़ेगा। तो इसलिए हम बैठ गए। हम ये आए हैं पूछने नरेंद्र मोदी जी से कि इतने टाइम यहाँ शाहीन बाग में लोगों को बैठा हुआ हो गया, उनकी आंखों पे बिल्कुल काली पट्टी बंधी हुई है, कोई नेता, कोई अभिनेता, कोई कार्यकर्ता उनसे आके पूछ रहा तुम लोग यहाँ क्यों बैठे हो इतनी ठंड में। हमसे ये मांगे कि हमें अपना प्रूफ दिखाना है। जब हमारे पास वोटर ID कार्ड है, हमारे पास सारे प्रूफ है, फिर भी उसमें हमें प्रूफ दिखाने की क्या ज़रूरत है। तो इसको जो है ये पूरे भारत में लागू करके ये करना चाहते ये हैं कि हिंदुओं को जब ये CA अभी लागू कराए, NRC का इसलिए विरोध हो रहा है, जब ये NRC लागू करेंगे तो NRC के जरिए अगर मुसलमान डॉक्यूमेंट नहीं दिखा पाएगा तो मुसलमान बाहर चला जाएगा। ये लोगों को गुमराह करने के लिए लाया गया। आपको अर्थव्यवस्था पता है कि इंडिया की कहाँ जा रही है, इंडिया की नहीं आदर भी बहुत ख़त्म हो रही है। इनके पास तो ये कुछ है नहीं कि ये रोजगार का कुछ मुद्दा उठाएं, बेरोजगारी हटाएं। खैर, अब देखने वाली बात होगी कि धरने पर बैठी इन महिलाओं तथा लोगों की पुकार सरकार कब सुनेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दिल्ली के शाहीन बाग से जयराम की रिपोर्ट।